वजीर आजम आज हिमाचल प्रदेश में 3,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। एम्स बिलासपुर का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम कुल्लू दशहरे की तकरीबात में भी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के दौरे पर मरकजी वजीर दाखिला आमिर शाह आज एक आला सतही मीटिंग में तरक्याती कामों और अमनो अमान की सूरत हाल का लेंगे जायजा। वो बारामूला में एक रैली से भी करेंगे खिताब। वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। दोनों ममालिक की आला क्यादत से करेंगे मुलाकात। मुलाकात का मकसद है दोनों ममालिक के साथ तिजारत, सिक्योरिटी और दीगर अहम शोबों में भारत के ताल्लुकात का मजीद फरोग। तीसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 49 रन से दी शिकस्त। शिकस्त के बावजूद भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। होम ग्राउंड पर पहली बार अफ्रीका के खिलाफ जीती T20 सीरीज। कौमी खेलों में आज होंगे तैराकी, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के मुकाबले। आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी और आसाम की इमलान बोरगोहेन ने कौमी खेलों में जीता अपना दूसरा तलाई तमगा। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतेह की है अलामत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान बिलासपुर में 9 तामीर शुदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो बैन अलावामी कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 3,650 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम एक जलसा आम से खिताब भी करेंगे। पेश है उनके दौरे की तफसीलात। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना 750 बिस्तरों वाला ये एम्स अस्पताल हिमाचल प्रदेश के लोगों को आलमी सतह का इलाज फराहम कराएगा। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एम्स अस्पताल 247 एकड़ में फैला है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस एम्स अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी शोबे होंगे। 18 जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 64 ICU वाले बिस्तर होंगे। इसमें 24 घंटे इलाज की सहूलत दस्तयाब रहेगी। ये बिलासपुर ही नहीं, पूरे हिमाचल और आसपास के पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए एक सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे कि जो हमारे उच्च हिमालयी लोग हैं और जो बाकी जो दूर दराज के अनसर्विस्ड एरियाज हैं उनको ये सुविधा पहुँचाएगी। एम्स बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के कबायली और दूर दराज के कबायली इलाकों में सेहत खिदमत फराहम करने के लिए डिजिटल सेहत मराकज भी कायम किए गए हैं। इसमें टेलीमेडिसिन की सहूलत भी होगी ताकि दूर दराज के लोगों को सेहत से मुतालिक मशवरे उनके घर के पास ही मिल सकें। साथ ही काजा, सलूनी और कोलांग जैसे दूर दराज कबायली और ज्यादा ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में सेहत कैंप के जरिए से अस्पताल की तरफ से सेहत खिदमात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 तलबा और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। बिलासपुर में एम्स बनने से लोग बहुत खुश हैं। एम्स खुलने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पूरे बिलासपुर को ही नहीं, पूरे हिमाचल को, पूरी नॉर्थ साइड को। वैसे हमें या तो PGI चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दूर से भी जो भी आते थे, कम से कम PGI में अगर इलाज नहीं हो तो दिल्ली जाना पड़ता था। तो अब हमें एम्स का जो पूरे कुल्लू मनाली और इधर हमीरपुर कांगड़ा सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो हमें दिल्ली जाना पड़ता था या फिर PGI जाना पड़ता था, तो हमारे अभी बिलासपुर में नज़दीक होगा तो सारा मतलब बहुत सा फायदा हो जाएगा लोगों के लिए। अपने दौरे में पीएम मोदी 3,650 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम जिन मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे उनमें पिंजोर से नालागढ़ के दरमियान 31 किलोमीटर लंबे कौमी शाहराह को 4 लेन का बनाया जाना भी शामिल है।
ये सड़क मंसूबा अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, सोलन और शिमला से बिलासपुर मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले अमदोरफ्त के लिए एक अहम रास्ता होगा। चार लेन के इस कौमी शाहराह का तकरीबन 18 किलोमीटर का हिस्सा हिमाचल प्रदेश के तहत आता है और बकिया हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। इससे इस इलाके में सनअती तरक्की को भी रफ्तार मिलेगी और साथ ही रियासत में सियाहत को भी फरोग मिलेगा। वजीर आजम नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का भी संगे बुनियाद रखेंगे। इसकी तामीर 350 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इसके अलावा वजीर आजम बंदला में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम बिलासपुर के लोहनू मैदान में एक आम जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम बैन अलाक्वामी कुल्लू दशहरा मेले में भी शिरकत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब मुल्क के वजीर आजम कुल्लू दशहरे में हिस्सा लेंगे। अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बिलासपुर की आधारशिला रखी थी। ठीक 5 साल बाद एम्स बिलासपुर बनकर तैयार है और 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। एम्स बिलासपुर के बन जाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ और दिल्ली एम्स नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन किशन चंद के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 रोजा दौरे पर रहेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर पहले मरहले में न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर खारजा के तौर पर उनका न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। वजीर खारजा भारतीय कम्युनिटी की कारकर्दगी और तआवुन के लिए ऑकलैंड में मुनाकिदा इस्तकबालिया तकरीब में हिस्सा लेंगे। इस तकरीब में उनके साथ न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन भी मौजूद रहेंगी। दोनों लीडर आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक डाक टिकट इंडिया एट 75 जारी करेंगे। वजीर खारजा मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामी किताब का भी इजरा करेंगे। सिख कम्युनिटी के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खसूसी रवाबित को जाहिर करने वाली एक किताब हार्ट फेल्ट सी लेगेसी ऑफ फेथ की भी रुनुमाई की जाएगी। वजीर खारजा ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की वजीर खारजा निन्या महुता के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के रवाबित पर बातचीत और जायजा लिया जाएगा। वेलिंगटन में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय हाई कमीशन की 9 तामीर शुदा इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और सिडनी का दौरा करेंगे। इस साल उनका ऑस्ट्रेलिया का दूसरा दौरा होगा। जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वोंग के साथ 13वीं वजीर खारजा फ्रेमवर्क गुफ्तगु में हिस्सा लेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मॉरिस से भी मुलाकात करेंगे। वो सिडनी में लुवी इंस्टीट्यूट समेत ऑस्ट्रेलिया बहरिया मीडिया और थिंक टैंक के साथ भी बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के 6 रोजा दौरे पर मरकजी वजीर दाखला अहमद शाह आज राजभवन में तरक्याती कामों और नज्म व नस्क का आला सतही मीटिंग में जायजा लेंगे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा वजारत दाखला और दीगर सलामती एजेंसियों के अफसरान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अहमद शाह बारामूला के स्पोर्ट स्टेडियम में एक रैली से खिताब करेंगे। भारत के अवामी नशरियाती इदारे दूरदर्शन की डीडी इंडिया ने नई दिल्ली में जारी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सालाना खबरों के प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 में आला एजाज जीता है। डीडी इंडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के जुमरे में अपनी बेहतरीन कवरेज के लिए एवीएन अवार्ड 2022 जीता है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जवाद मोटाघी के जरिए ये अवार्ड दिया गया। डीडी इंडिया ने जापान के एनएचके, चीन के सीसीटीवी, श्रीलंका के एसएलआरसी, ईरान के आईआरआईबी से मुकाबला करते हुए ये अवार्ड जीता है। India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, lost his life. इंडोनेशिया के TVRI ने भी ब्रेकिंग न्यूज़ जुमरे में अपनी बेस्ट कवरेज के लिए ये AVN अवार्ड जीता है। जापान के NHK ने यूक्रेन पर रूस के हमले की बेहतरीन कवरेज के लिए और TRT तुर्की ने न्यूजी
न्यूज इवेंट जुमरे में यूक्रेन मुजाकरात में साल्सी कराने की कोशिशों के लिए बेहतरीन कवरेज में अवार्ड जीता है। जनूबी कोरिया के KBS और सिंगापुर के CNA ने आबो हवा की तब्दीली पर बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए, बांग्लादेश के BTV ने मानसून सैलाब पर रिपोर्टिंग के लिए और छोटी खबरों के जुमरे में बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड जीता है। चीन के CCTV ने बीजिंग सरमाई ओलंपिक खेलों के लिए खेल के जुमरे में अवार्ड जीता, जबकि टोक्यो ओलंपिक के दौरान वबा की सूरत हाल में भी सहाफती अख्तार को बरकरार रखने के लिए साल का कवरेज जापान के NH ने जीता है। और आज मुल्क भर में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एक जानिब जहां बुराई पर अच्छाई, नाइंसाफी पर इंसाफ और नेकी पर बदी, तो दूसरी जानिब ये हमारी तारीखी रिवायात की अदायगी का मौका भी है। इस दिन लोग असलाह की पूजा भी करते हैं। जिंदगी में मुनासिब मुकाम पाने के लिए मजहबी उसूल और असलाह दोनों का इस्तेमाल होता है। हमारी अखलाकियात किताबों के मुताबिक होती हैं तो समाज में एहतराम की निगाह से देखा जाता है, और मुश्किलात में असलाह हमारी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत करते हैं। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने दशहरे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। RSS आज सुबह नागपुर के रेशम बाग मैदान में विजयदशमी उत्सव का इनेकाद कर रहा है। मारूफ को पैमा और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता संतोष देवी यादव इस उत्सव में मेहमान खसूसी हैं। इस प्रोग्राम में RSS के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत कलीति खुतबा दे रहे हैं। और वजीर दिफा आज उत्तराखंड के ओली और माना में फौजियों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। राजनाथ सिंह चमोली में सशस्त्र पूजा करने के अलावा फौज के सशस्त्र पूजा प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। वजीर दिफा का बद्रीनाथ दर्शन करने का भी प्रोग्राम है। ख्याल रहे कि इन दिनों राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के नक्सल मुतासिरा ज़िला गढ़चिरौली को इंस्पिरेशनल यानी मिसाली ज़िले की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके तहत मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से ज़िला के हर तबके को तरक्की के धारे से जोड़ने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में ज़िले की नौ उम्र लड़कियों की सेहत पर भी तवज्जो दी जा रही है। ज़िले में नौ उम्र लड़कियों पर लागू होने वाली SAG स्कीम के तहत वो अपने हिस्से का राशन करीब तरीन आंगनबाड़ी मरकज से हासिल कर सकती हैं, जो उनकी सेहत और सेहतमंद जिंदगी के लिए निहायत फायदेमंद है। पेश है ये खसूसी रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के मूलचिरा जिले में रहने वाली ये हैं स्वर्णा डाकुआ। स्वर्णा को हर महीने लड़कियों के लिए SAG की मंसूबा बंदी के अपने हिस्से का राशन नजदीकी आंगनवाड़ी मरकज से मिलता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान और सेहत भी अच्छी रहती है। दरअसल मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही आकांक्षी जिला मुहिम के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 27,099 लड़कियों को SAG की मंसूबा बंदी का फायदा मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें गजाइत से भरपूर खाना दिया जाता है, जिसमें चना, मूंग दाल और हल्दी, मसाले, आयोडीन, नमक जैसी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। मोलचेरा जिले में आंगनवाड़ी सेंटर के जरिए कुल 1,698 लड़कियों को एनीमिया और दीगर जिस्मानी अमराज से बचाया जा सकता है। मुझे जो आंगनवाड़ी के तरफ से पोषण आहार मिलता है, उस पोषण आहार में गेहूँ है, चावल है, दाल है, मिर्च है, नमक है और शक्कर भी है। उसे खा के मेरे शरीर में खून की कमी थी, खून बढ़ गई है। भी मुझे आंगनवाड़ी की तरफ से दाल, चना, गेहूँ और शक्कर आदि वस्तुएं पोषण आहार के रूप में मिलती है। इसे सेवन करने से मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मुझे इसका बहुत लाभ होता है। इस मंसूबा बंदी के तहत गढ़चिरौली जिले के दूरदराज इलाकों में 14 से 18 साल की लड़कियों को घर पर ही खाना मुहैया कराया जा रहा है। इस मुहिम को बहुत असरदार तरीके से नाफिज किया जा रहा है, जिसका फायदा इस इलाके की हजारों लड़कियों को हो रहा है। केंद्र सरकार के आकांक्षित जिला कार्यक्रम जो है
इस कार्यक्रम में सबला योजना के तहत हमारे आंगनवाड़ी के अंदर जो 14 से 18 साल की लड़कियां हैं इनके लिए जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है ये हमारे तालुके में 1700 लड़कियों के लिए दिया जाता है। इस आंगनवाड़ी से लड़कियों की परवरिश और सेहत की जानिब ध्यान दिया जा रहा है और उनकी रहनुमाई भी की जा रही है। इन मामलों को पोषण ट्रैकर में दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी के कारकुनान के जरिए से लोगों को सलाह और मशवरा भी दिया जाता है, साथ ही लोगों में बेदारी भी पैदा की जा रही है और आंगनवाड़ी में काम करने वालों को हौसला अफजाई के लिए रकम भी मुहैया कराई जा रही है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद ही गढ़चिरौली तरक्की की जानिब बढ़ रहा है और इस तरह से सीधा यहाँ के लोगों को फायदा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों लीडरों के दरमियान यूक्रेन में जारी जंग पर संजीदगी से गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुश्मनी को जल्द खत्म करने, नीज बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते पर चलने की जरूरत को दोहराया। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के सदर को पुख्ता यकीन दहानी कराई कि जंग का कोई फौजी हल नहीं हो सकता और अमन की किसी भी कोशिश में तावुन के लिए भारत के अज़्म से आगाह कराया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी टेलीफोनिक बातचीत में अक़्वामे मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़्वामी कानून, सभी की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने की अहमियत को भी दोहराया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत के जरिए जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जौहरी सहूलतों के खतरे में सेहत आमा और माहौलियात के लिए दूरदर्श और तबाहकुन नतीजे हो सकते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक 3 रोज़ा नौटंकी मेले का इनाकाद किया जा रहा है ताकि ख़त्म होते जा रहे लोक ड्रामा नौटंकी को एक बार फिर से जिंदा किया जा सके और इसकी खोई हुई शान वापस लाई जा सके। इस सिलसिले में कमानी ऑडिटोरियम में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी, बहरूपिया और दास्तान लैला मजनू स्टेज किया जाएगा। 6 अक्टूबर से दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाला यह मेला मशहूर लोक ड्रामा डायरेक्टर अतुल यदुवंशी की हिदायतकारी में मुनाकिद किया जाएगा, जिसका अहतमाम प्रयागराज के थिएटर इदारा स्वर्ग रंग मंडल कर रहा है। लोक नाट्य नौटंकी की जो संप्रेषणीयता है, जो उसकी सशक्त विधा का जो संरचना है, वो सबके सामने उजागर हो सके। याद रहे कि भारतीय फिल्मों ने जब अपना स्वरूप तय कर रही थी भारतीय फिल्में, तो उन्होंने अपना स्वरूप नौटंकी से ही उधार लिया। एक कहानी और उसके बीच में गीत, पूरी दुनिया में फिल्मों में कहीं गीत नहीं होते और वो हिंदुस्तान में हैं। तो इसलिए लोक नाट्य नौटंकी, जो कि सदियों तक उत्तर भारत ही नहीं समस्त भारत के जनमानस पर राज्य करती रही, आज ज़रूरत आन पड़ी कि उसको फिर से पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उसका एक 3 दिवसीय लोकनाट्य महोत्सव करा जाए। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शायद कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, साइबर क्राइम के खिलाफ मुल्क में सीबीआई का ऑपरेशन चक्कर जारी है और दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और अंडमान में 105 मकामात पर छापेमारी की जा रही है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बता दें कि JEE पर्चा लीक मामले का मास्टरमाइंड रूसी हैगर गिरफ्तार किया जा चुका है। और आइए इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं कि गुजरात ने आला तालीम के मैदान में अहम पेशरफ्त हासिल की है। ये कहना है, आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रियासत ज़माना कदीम से तालीम का ये मरकज़ रहा है, यानी गुजरात के लिए उन्होंने ये बात कही है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने गुजरात यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का आगाज़ भी किया। और इसी अखबार की एक और सफ़े की सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं, यह है उत्तराखंड में बर्फ़ानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा हलाक हो गए हैं और साथ में 8 बचाए जा चुके हैं, 11 लापता बताए जा रहे हैं। बचाव ऑपरेशन इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-दिफा का इजहार अफसोस भी आया है।
और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर दाखला का जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन का वादा है। दफ़ा 370 के हटने से रियासत के हालात बेहतर हुए हैं, ये कहना है वज़ीर दिफा अमित शाह का। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर, अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ सख्त इकदामात करेगा। ईरानियों के पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे के हकूक़ की हिमायत करेंगे। और साथ ही ये कहना है, आपको बता देते हैं कि अमरीका के सदर जो बाइडन का ये कहना है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर, इसी अखबार की अगली सुर्खी है, शुमाली कोरिया का जापान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने अपने बयान में ये बात कही है कि पुलिस की हिरासत में जिस लड़की की मौत हुई है उस पर वो बेहद रंजीदा हैं और ईरान में बदमनी के लिए अमरीका और इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। और अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं खेल की खबरों पर। जनूबी अफ्रीका ने तीसरे T20 मैच में भारत को 49 रन से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.3 ओवर्स में 178 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से दिनेश कार्तिक ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए, दीपक चौहर ने 31 और ऋषभ पंत ने 27 और उमेश यादव ने 20 रन बनाए। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की जानिब से रूसू ने 48 गेंदों पर नॉट आउट 100 रन बनाए, जबकि क्विंटन डिकॉक ने 68 रन बनाए। तहम इस शिकस्त के बावजूद भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली। टीम इंडिया ने पहला T20 8 विकेट से और दूसरा T20 16 रन से जीता था। ये पहला मौका है जब भारत ने घर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीती है। और गुजरात में जारी कौमी खेलों में आज तैराकी, टेनिस और तीरंदाजी में कई तमगे दांव पर होंगे। साथ ही बॉक्सिंग के ग्रुप राउंड के मैच भी आज से खेले जाएंगे। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और लॉन बॉल के मुकाबले भी मुनक्कद किए जाएंगे। इन गेम्स में अब तक सर्विसेज की टीम ही गालिब रही है, वो सबसे ज़्यादा सोने के साथ तमगों की तादाद में सरफहरिस्त है और हरियाणा दूसरे नंबर पर है। रेसलिंग के अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम करने वाली अंतिम पंगल ने नेशनल गेम्स में भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। उन्होंने 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इस जीत के बाद उनका अगला निशाना क्या है और उन्हें रेसलिंग में किन किन चीज़ों पर सख्त मेहनत करनी पड़ी है, इन सब पर उनसे गुफ्तगू की हमारे नामा निगार गौरव कुमार ने। 3 बेटी होने के बाद चौथी बार जब बेटी हुई तो चौथी बेटी का नाम अंतिम रख दिया, यानी कि इसके बाद वो और कोई बेटी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये अंतिम विश्व पर ऐसा नाम कमाएगी कि पूरा देश जो है वो ऐसी अंतिम और हो कि चाहत रखेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला पहलवान अंतिम पंघाल की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अंतिम कैसे देखती हैं अपनी अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों को? मैंने मतलब अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप से बहुत कुछ सीखा है। अब जो मेरी कमियां हैं मैं उन्हें अब अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरी करना चाहती हूँ। मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जो सीखने को मिला, जो जो मेरी कमियां हुई, बाहर वाले बच्चों के साथ खेलने के लिए मुझे कंपटीशन मिला, इसलिए मैं अभी जो भी मेरी कमी थी उन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लेते हो उसके बाद जो नेशनल गेम्स होता है उसमें आपको लिए काफ़ी एक इजी एक हो जाता है या आपको लगता है कि कंपटीशन का लेवल वही रहता है? नहीं सर, थोड़ा सा तो इजी होता है, लेकिन कभी भी हमें सामने वाले को हल्का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बाउट में। सभी बोलते हुए कुश्ती एक धोखा है। हाँ सच में है भाई, मतलब 9-0 से कुश्ती होने के बाद भी हम हार जाते हैं। कभी कभी देखी ऐसी कुश्तियाँ बहुत बार मैंने। आपको लगता है कि आजकल की जो कुश्ती है उसमें दांव से ज़्यादा स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रख रही है? हाँ सर, टेक्निक तो मायने रखती है, लेकिन अगर हमारे अंदर पावर भी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं। हमें टेक्निक से अकेला कुछ भी नहीं, लेकिन अकेले पावर से कुछ नहीं होगा, अगला हमें टेक्निक की उससे भी वो कर सकता है। अंडर 20 की वर्ल्ड चैंपियनशिप आपके लिए यादगार रही और उसके पीछे जब वो कहानी पता चली कि जो अंतिम पंखाल जो आपके नाम की,
उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम 5 बहन भाई हैं, मैं चौथे नंबर की मतलब बेटियों बहनों में सबसे छोटी बहन हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम अंतिम रखा। वो और नहीं, लड़कियाँ नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने मेरा नाम अंतिम रखा। उस समय पर हालांकि वो खुश नहीं होंगे मुझे पैदा होने के बाद में, लेकिन अभी वो बहुत खुश है मुझसे। किस तरह का एक उस समय सिनारियो था उसको थोड़ा सा बताइए, कैसे अब जब आप कामयाबी के साथ सामने हैं तो किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है उसमें? मेरे मम्मी पापा का मेरे साथ शुरू से ही स्पोर्ट में पूरा सपोर्ट था। मैं जब से खेलने लगी थी, मेरे मम्मी पापा तभी से चाहते थे मैं गेम करूं। और मेरी बड़ी बहन जो है वो कबड्डी खेलती है, उसने मुझे वो किया था, भाई तू कुश्ती खेल, तू कुश्ती में अच्छा कर सकती है। उसके कहने पे मैं कुश्ती में आई थी, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं चाहते थे, तो मुझे सपोर्ट पूरा मिला घर से। अभी अगला टारगेट क्या है? अभी अगला टारगेट वैसे तो 2024 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा, लेकिन अभी फिलहाल तो यही अंडर-23 में गोल्डन। आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अंतिम पंघाल, जिनका सपना जो है वो पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतना है और जिसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको इस बात का भी ध्यान है कि आजकल की जो कुश्ती है उसमें दांव तो लगाना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्किल्स और आपकी स्टैमिना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, गांधीनगर, गुजरात। और अब नजर डालते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।